दो खतरनाक सपने बताऊं क्या था। दूसरे वाला बड़ा डेंजर था भाई, पहले वाले तो सलट रहे हमने। हम मतलब मैं और मीना मम्मी जी स्कूल से आ रहे, स्कूल के सामने खड़ी थी हमारी गाड़ी। मम्मी जी ने चाबी पकड़ा दी कि ले तू चला ले चला ले। मम्मी जी ने गाड़ी छोड़ रखी थी गैर में, पहले गैर में थे। मैंने व्लॉग बनाने के चक्कर में गाड़ी स्टार्ट की और भाग पड़ी गाड़ी अचानक से। एंड जो इस साइड आने वाली लाइन होती है ना, हमारे जाने वाली लाइन उस साइड होती, मतलब एक लाइन उस साइड जाती है, एक लाइन इस साइड आती है। तो गाड़ी इसी में खड़ी थी, मैं पीछे जाना था बट गाड़ी पीछे घूम गई एंड उस साइड भाग पड़ी। भाई साहब गाड़ी नहीं रुक रही मुझसे एंड मैं अपोजिट डायरेक्शन में बचता बचाता भागा एंड अचानक से रोड से नीचे उतरते उतरती बची गाड़ी। एंड गाड़ी ऐसी जगह पर जाके खड़ी होगी कि बैक भी नहीं हो सकती भाई, पीछे नहर है। मतलब उस रोड पे कोई नहर नहीं है बट सपने के अंदर नहर है भाई, ये है वो है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से घर पे पहुंची एंड घर पे पहुंचती जैसे मैंने मिरर में देखो फारे मुंह पे पिंपल से पिंपल। मैं क्या, ये क्या हो गया भाई, पहला तो ठीक तो ये दूसरा क्या हो गया। ऐसे जैसे तैसे करके फिर प्रतीक ने मेरे को उठा दिया। राइट नाउ आई एम फाइन, ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे फेस में पिंपल्स है, दोनों के दोनों ठीक है। बट हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, कल सारे दिन हमारे वाईफाई नहीं चला, मम्मी जी का नेट नहीं चल रहा। बहुत बढ़िया है सपना। हाँ इसने मेरे को सपना बताया उठते ही। ये बताया कौन सा सपना बता रहा कि भाई एक बाबा आया था उसने मेरे को है, है। तो बताओ तो अच्छा। हाँ मतलब मैं इसको कुछ बता रहा था कि 90 रुपये डाल भैया भैया इसके अंदर और इतने पैसे मिलेंगे और ये जीत गया। क्या सामान लिया तूने उस पैसे का फिर? मेरे साथ भी यही हुआ यार, यही हुआ यार, बढ़िया। एंड गाइस हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, व्लॉग भी अपलोड करना यार 6:30 बज गए, क्या करूँ। मैं जब 11th 12th में था एक बच्चा था भाई साहब, वो बात बात पे बात बोलता था, जाओ ना यार तुम्हारा घंटा करियर है तुम्हारा इंटरनेट पैक के साथ खत्म हो जाता है। मेरे को उस टाइम इतना गुस्सा आता था ना उस पर, मैं किसका मुंह फोड़ दूँ अभी मैं। बट फिर मैं सोचता था कि मैं कंट्रोल करना सीखूँ ब्रदर, अभी तो लाइफ में एज ए इन्फ्लुएंसर लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे तुम्हें। बट फिलहाल मेरे साथ सिचुएशन वही हो रखेगा इसकी, मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता। वाईफाई हमारे गाँव में मेन वायर होती है ना जो गाँव में आता है इंटरनेट, वो टूट गया भाई साहब। बट अब क्या ही कर सकते, मैं उसके पास कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल भी नहीं उठा रहा फिलहाल। तो कल कह रहा था कि रात को होगा बट कोई जुगाड़ ढूंढते गाइस वाईफाई अपलोड कर, मतलब वीडियो अपलोड कर दी अपलोड करने के लिए। जब हमारे पास वाईफाई नहीं था तब भी मैं वीडियोस अपलोड करता ना जुगाड़ पानी करके, अभी भी करता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट सो दैट कि व्लॉग 7 बजे आ जाए, बट आज नहीं लगता मेरे को 7 बजे आ जाएगा बट व्लॉग आ जाएगा, इट्स द गारंटी। आई विल ट्राई समथिंग गाइस, ओके। हाँ तेरा छोटा भाई है कालू, अरे ओ गाइस दूसरे के कुत्ते को बुला रहा है और वो भी तेरे को ऐसे और वो तेरे को ऐसे करने लग गया था दौड़ूरा। गाइस मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, ओके ले रहो कालू उठा ले अड़ो ले इधर। अच्छा वो सही में पता नहीं क्या ले रखा गाइस, जूम कर जूम कर, ये क्या ले रखा है मुंह में पता नहीं, गाजर है क्या? नहीं यार कुछ कपड़ा वगैरह है, आई डोंट नो, पड़े रहने दो। एंड भाई हमारे घर के सामने तो इन ट्रैक्टर वाले ने जी ले रखा है, कभी भी आ जाते हैं यार। हमारी मम्मी जी तो कपड़े धो रही है एंड दादी जी पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे खड़ी खड़ी। एक्सक्यूज मी मैम आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह? क्या मैंने बोतल ले से पानी पीऊं खाते खेत में ले जाऊं? खेत में जाऊं? हां खेत में की कर क्या होगा आज तो कौन जा, तो साल जाते दादा। अच्छा इसने लेके जाएगा और सारा दिन पड़ा रहेगा यहीं चौधर गण जाए तो घंटा टन को है। बचपन का प्यार गाता वो घूम रहा है और जाने मेरी जाने वन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। मम्मी जी खतरनाक सपना है मना सपना उतरो एठ में हो जाओ पूरो कि गाड़ी में अपोजिट डायरेक्शन में चलाऊं, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही देखो ये टमाटर दिख रहे ना आपको, यहाँ पे 4 टमाटर होते, इसकी कलाकारी के कारण वो 4 टमाटर टूट गए और बादशाह ने खा लिए एंड दद्दू मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। रेंज रोवर पे बोली लगा रहे थे। हाँ 5,25,525 में जीत चुका रेंज रोवर को, चल अब स्कूल में बोले भाई स्कूल में जल्दी निकल बाहर निकल बदतमीज इंसान।
यार हमारे बच्चे के बड़े नखरे होते हैं, खाने के बाद स्वीट्स मांगता है, बिना स्वीट्स मारे गए हो और खाने को लखने को नहीं नीचे हिंडा दे है। और क्या यार, ले तेरी स्वीट्स खा ले। हाँ अब हाथ खाएगा, नखरे कम भी आकर बेटा तू थोड़े, ठीक है ना। एंड मक्खियाँ गाइस, इनको इरिटेशन नहीं होती क्या? मेरे को ये समझ नहीं आता, इनकी आंखों में मक्खियाँ घुसी रहती, इनको इरिटेशन नहीं होती पता नहीं क्यों। एंड एक बात बताऊँ रामबाण इलाज, अगर ये ज़्यादा मस्तियाँ वगैरह करे ना कंट्रोल में ना आए तो सीधा सीधा यहाँ से पकड़ो एंड खींच लीजिए, बाछे इज इन योर कंट्रोल नाउ। मतलब यार चोचलों ने मार दी दुनिया, भाई साहब इतने चोचले, बादशाह भी चोचला करता है कि मेरे को तो स्वीट्स खानी है। भाई साहब बिना स्वीट्स मारा गया, अभी रोटी दे के आया उसको, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अपनी छानी खा ली थी तो स्वीट थे। बच गया गाइस, इस पाइप के ऊपर मेरा पैर टिक गया, बच गया, टूटी नहीं, स्लिप कर गया। अगर घर में किसी को पता लग जाता तो बस ख़त्म था मैं तो। भाई साहब बिल्कुल सच बताना, भाई साहब झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। ऐसा कौन है जो पतीले का पतीला चाट जाता है अपने घर में? पक्का मिलोगे भाई साहब, घप लिया, इधर आके ज्ञान मत फैलना, एक ना एक पक्का मिलेगा। बेटा जी अब तो आपको डाइट मिल चुकी है, अब की बार मत रुक जाइए, बता दिया अब की बार लात पड़ेगी तेरे को। गाइस फाइनली ठीक कर दिया, इसकी लाइन चेंज कर दिया, पहले पता नहीं किससे चल रहा था, अब ये मानकावास वाले से कर दिया गाइस। एंड इसको डाइट वगैरह दे दी, अभी मक्खन की तरह चल रहा है। एंड फाइनली अपना व्लॉग अपलोड करता हूं गाइस फटाफट। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ गाइस, एंड वाईफाई चलने की खुशी एक नेक्स्ट लेवल। हमारे घर पे वाईफाई है तो मम्मी जी को सिर्फ 2 GB नेट मिलता है, 2 GB में हमारा काम नहीं चल रहा गाइस। 2 GB तो हमें पता है कैसे लग रहा है, बच्चू है यार ये कोई नेट होता है? नेटवर्क तो वाईफाई वाला होता है अनलिमिटेड। उसने स्टड्स डाल रखे हैं इसलिए मेरे को ना शूज़ डालने पड़ेगा बिकॉज वो स्टड्स निकाल नहीं रहा। नाउ विल गो ना प्ले। एंड दद्दू यहाँ पे दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, इतनी स्मेल करती। कौन सी दवाई है दद्दू यहाँ? कौन सी? मोनू। सर मोनू दवाई खाएंगे आप? नाम भी बड़ा जबरदस्त है गाइस मोनू। एक गोल पोस्ट हमारा ये होगा, एक गोल पोस्ट वो होगा। अच्छा और एक बार दादी से मीटअप करवा लेते हैं गाइस आपको। की है फालतू नहीं, आग लगा दी जाएगी यहीं पे खड़े खड़े के। यहाँ पे दादी जी का है ना गोबर पाथना चल रहा है गाइस। एंड और क्या दादी जी, अरे इधर देखो बाबा गाइस, ऐसे गोश से पाथ रही है दादी तो। एंड लोग आपको हाय बोल रहे हैं, हाय गाइस बोल दो। हाय गाइस। अरे गोश गोबर के हाथों से हाय गाइस, मौज कर दी दादी जी। गाइस किसी को सीखना हो ना गोबर कैसे पाते हैं, दादी जी के पास आ जाना, फ्री में ट्रेनिंग दिलवा दूंगा। गोबर को साथ ही है सर। कितने साल तक पाथो? मन है। हां 2 साल हो गया। ब्याज पहले भी पाथा है? हां और तो 40 साल गाइस, सच अ लॉन्ग टाइम यार। हां ले अरे घर को काम करती कितना साल हो गया? 40 साल है। 40 साल कितने साल का है वहां पे? 60 साल को। तो 20 साल तक कुछ को नहीं करे मतलब आपने? फिर ब्याह कितने की उम्र में हो गए थे आपको? छोटी में हो गए हो क्योंकि मम्मी है बहुत छोटी को हो गए थे। 20 साल की को ब्याह हो गए थे और काम करे हो फिर उड़े पाए थे गोबर। अच्छा रहे, पहले तो मतलब इतनी कम एज में शादी कर देते थे, अभी तो बच्चे बड़े ही नहीं होते उस एज तक, पहले तो बच्चों के बच्चे हो जाते थे उस एज में। बात तो सही है। इस मोनू की दवाई में से इतनी गंदी स्मेल आती है ना भाई साहब, ये मच्छरों के लिए होती है ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। यहाँ पे हमारे घियाँ लगी हुई हैं, मतलब त्योरियाँ सॉरी, वहाँ पे पालक वगैरह से एलोवेरा है, अनार का पेड़, चीकू का पेड़, अमरूद का पेड़, टमाटर लगे हुए हैं, वहाँ पे घियाँ लगी हुई हैं, खीनू के पेड़, मतलब घर को है ना फ्रूट्स का वो बना रखा है। गाइस लगी हुई हैं, अभी बड़ी नहीं हुई हैं कम्प्लीटली। ओ शिट, यहाँ पे तो दवाई मार दी थी, दवाई मार दी थी ना, धोना पड़ेगा हाथ, जूते गंदे नहीं होने चाहिए मेरे। बस बस गाइज विल गो ना प्ले हेयर, फालतू बकवास मत किया करो यार, खेलने भी दिया करो कभी, हर टाइम बीच में घुसते रहते हो इंसान की, घुस जाओ यार बिल्कुल जमाई घुस जाओ यार, कमाल बात करते हो भाई साहब, खेलने भी दिया करो थोड़ा पर्सनल स्पेस, पर्सनल पीरिसनल स्पेस, समझ में आई बात? अब निकलो यहाँ से, हमें खेलने दो। सॉरी गाइज ऑफेंड मत हो जाना, और हो जाओगे तो क्या कर लोगे, क्या पुछड़ पाड़ लोगे, मेरा है ही नहीं हमारे तो। लुढ़क गया मेरे कपड़े खराब हुए तेरी वजह से, और एक काकर गेंद जरूर की बेल्ट तो फ्लाईओवर बनाऊंगा, जा चुड़ा बुरे के। गाइस यार मैं गिर गया, इसने यहाँ पे जो फ्लाईओवर बना रखा था ना काकर डाल रखी थी बहुत सारी, मैंने यहाँ से किक मारी और मैं लुढ़क गया, स्लिप करता करता ना मुंह जाके लगा मेरा। दादा इन्हें कैसे याद कर दो ना एक बार, छोड़ी तो खेलना, देख पैर बिल्कुल रेड हो गया। गाइस बादल देख रहे हो, एक नंबर भाई साहब एक नंबर। एंड सन दिखाता हूँ आपको, देखो ये देख लो, पहले एक मस्त अरेंजमेंट है, थोड़ी देर पहले इससे भी मस्त थी। एंड सामने सन दिखाता हूँ गाइस जस्ट ए सेकंड, तब तक आप साइड का व्यू देखिए, एक नंबर आ रहा है, दिस इज द व्यू राइट नाउ दैट इज
इन पान पान वाह मेरी अंग्रेजी भाई साहब, पेड़ के पीछे छुप गया यार सूरज, कैसे तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ से चलूँगा चलूँगा चलूँगा, चल गया। यहाँ पे हम बिल्कुल आई एम ऑन द एज, उसके बाद नहीं चल सकते हम। एंड यहाँ से देख लीजिए सन गाइस, बीच में खंबा अट गया, खंबा पटवाना पड़ेगा भाई साहब। एक नंबर है ना गाइस, आय हाय हाय क्या व्यू, एक नंबर है ना गाइस, आय हाय हाय क्या व्यू है भाई साहब, ऑरेंज ऑरेंज एपिक, बिल्कुल एपिक। यार मैं अभी अपना खाना उठा के लेके आऊँ, ये तो खा पी के ना रख के वापस भी आ गए थे यार। ये वीडियोज़ है ना कभी मेरे को मरवाएंगे, घर से निकल आओगे गाइस आप। मैं अपने यहाँ पे बैठे बैठे वीडियो अपलोड करा, खाना खा खू के सब कुछ पैक करके किचन में रख के किचन बंद करके भी आ गए। मैं कि मैं पड़ोसियों का हूँ भाई साहब, बोले हाँ भाई साहब क्या ही कर सकते हैं भाई साहब, ये गलत बात है, मैं किसी दिन घर से निकलूँगा भाई साहब, कोई ना कोई इंतजाम कर लो मेरा रहने का, बता दिया है वरना तो मैं। प्रतीक एंड दादाजी तो वहाँ पे पानी दे रहे हैं पौधों में गाइस, रात को ही पानी आता है यहाँ पे, लगभग रात को आता है, तो मोटर चल रही है एंड पानी दे रहे हैं यहाँ पे। प्लांट्स मस्त हो रखे हैं गाइस हमारे, एंड इनके तो है ना फूल भी आ चुके हैं, बट अभी अमरूद लगने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है गाइस। फूल देखियो, अंधेरा है काफ़ी यहाँ पे, तो कुछ दिखा नहीं पा रहा। एंड गाइस मैं और प्रतीक तो कल संडे है ना, तो फिर उसी चैलेंज पे 24 आवर्स स्पीकिंग इन द इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज। भाई साहब बड़ा डिफिकल्ट होगा गाइस, बिकॉज इंग्लिश बोलनी तो आती है बट हैबिचुअल नहीं है ना, तो बार बार जीप फ्लिप मार जाएगी, फ्लिप मार जाएगी बार बार, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकलेगा, बट कोई बात नहीं, विल गोइंग टू ट्राई। एंड इंग्लिश की ऐसी टांग तोड़ेंगे ना भाई साहब, अंग्रेज भी ऐसे कहेंगे वाह चढ़ा पाट दिया, पर उसके लिए हमें एक माल्टा का पौवा लेना पड़ेगा गाइस, तभी तो कर पाएंगे वो काम की एक पौवा हमारे पास अंग्रेजी सी बोल दिया कि वाह, अंग्रेज भी कहेंगे चढ़ा पाट दिया। कोई नहीं गाइस, सुबह उठते ही फुल ऑन अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो मैंने लाइट के नीचे ऐसे घुस रखा हूँ, सही बताऊँ तो देखो ऊपर लाइट है, एंड है ना मैं ऐसे घुस के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बिकॉज तभी अच्छी क्वालिटी आती है गाइस, इसको पकड़ के ऐसे लटका हुआ हूँ। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, गर्दन दुखने लग गया, बाय बाय।